नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। मैहर के बदेरा में महाविद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में ठेकेदार कितना ईमानदार है ये शासन प्रशासन सहित खुद ठेकेदार जानता है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण दो मासूमों की जान चली गई। अब सवाल ये है कि इन मासूमों की हत्या का दोषी कौन है और क्या जिले का प्रशासन मासूम के हत्यारों पर कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय की बिल्डिंग निर्माण के समय ठेकेदार द्वारा सेप्टिक टैंक खोदा गया जिसमें पानी भरा था, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जिस कारण पास खेल रहे मासूम सेप्टिक टैंक में गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। दोनों बच्चे शिवांश यादव पिता मुक्कू यादव उम्र 8 वर्ष, अनमोल यादव पिता बारेलाल यादव उम्र 7 वर्ष बदेरा के रहने वाले हैं। लोगों की मांग है कि परिवार को मुआवजे के साथ प्रशासन दोषियों पर तत्काल बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई करे। आपको बता दें कि मैहर के बदेरा में नवनिर्मित कॉलेज में बने सेप्टिक टैंक डूबने से दो मासूमों की मौत हो गई। ABC कंपनी अतुल सिंह के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। दोनों मासूम के पिता कॉलेज की बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते थे और मासूम अपने पिता के साथ नवनिर्मित कॉलेज की बिल्डिंग में आए थे। इसी दरमियान खेलते हुए सेप्टिक टैंक में गिरने से दोनों मासूमों की मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही संबंधित ठेकेदार से हमारी बात हो पाई है, लेकिन आसपास का माहौल दो बच्चों की मौत की वजह से गमगीन बना हुआ था।